नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। मेरे पास एक शोरूम का सेटअप वास्तुशास्त्र के अनुसार कैसे होना चाहिए उसके बारे में इंक्वायरी आई है। इन्होंने अपने शोरूम में इन्वर्टर बैटरी का काम करना है और वास्तुशास्त्र के अनुसार किस प्रकार से सेटअप होना चाहिए, आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा। आपका अपना इन्वर्टर बैटरी का शोरूम है या शॉप ओपन की हुई है, आप काम कर रहे हैं और आपके यहाँ वर्किंग अच्छी नहीं है, तो आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और आप अपने शोरूम को रेनोवेट करने जा रहे हैं तो भी आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और विचार कीजिएगा। जो मेरे पास इंक्वायरी आई है वो नॉर्थ फेसिंग शोरूम बनाने की इंक्वायरी है। किस चीज़ का शोरूम बनाने की इंक्वायरी है? इन्वर्टर और बैटरीज का, क्योंकि आजकल हर एक चीज़ के अच्छे अच्छे शोरूम बनाए जा रहे हैं। आपकी अपनी दुकान है तो भी आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आपका जो शोरूम है, आपकी जो शॉप है नॉर्थ फेसिंग है, तो आपने अपने फ्रंट का भाग हमेशा ही नीट एंड क्लीन यानी साफ़ सुथरा रखना है। आपके यहाँ शटर जो लगा हुआ है, शटर के ऊपर स्काई ब्लू कलर करना है। आपने अपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक मीटर कहाँ लगाना है? इलेक्ट्रिक मीटर आप बाहर पिलर पर लगवाते हैं तो यहाँ पर बाहर नॉर्थ वेस्ट के भाग में पिलर पर इलेक्ट्रिक मीटर लगवा सकते हैं, और आपने अपने यहाँ पर अंदर लगवाना है तो आप अपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक मीटर वेस्ट वॉल पर नॉर्थ वेस्ट कोने में लगा सकते हैं। आपने ध्यान रखना है जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का पिलर है, इस पिलर पर आपने इलेक्ट्रिक मीटर बिल्कुल भी नहीं लगवाना है। यदि आपके यहाँ इलेक्ट्रिक मीटर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में लगा हुआ है तो मेरा अपना ये मानना है कि आप हमेशा ही अपने कामों में उलझे रहते हैं और आपका काम भी पूरा नहीं होता है। आपने अपने यहाँ पर एंट्री के लिए डोर लगाना है और फिक्स ग्लास लगाना है, तो डोर आपने नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर यहाँ पर आपने अपना डोर लगाना है, और डोर के साथ में आपका अपना कंप्लीट फिक्स ग्लास आएगा। आपका इन्वर्टर बैटरी का काम है तो आपको अपने यहाँ पर स्टोरेज भी चाहिए और साथ में बैटरियों को चार्ज करने के लिए भी एक एरिया ज़रूर चाहिए। उसके लिए आपको करना क्या है, जो आपका साउथ का भाग है यानी बैक साइड में, जितना एरिया आपको चाहिए उतना एरिया आप बैक साइड में साउथ साइड में ले सकते हैं। आपने अपने यहाँ साउथ की दीवार पर साउथ ईस्ट कॉर्नर से साउथ वेस्ट कॉर्नर तक और साउथ वेस्ट कॉर्नर से वेस्ट तक, और ऐसे ही यहाँ पर भी आपने रैक के अंदर साउथ सेंटर से साउथ वेस्ट की ओर हैवी स्टोरेज करनी है, और ऐसे ही वेस्ट में भी हैवी स्टोरेज करनी है, और आप इस रैक पर भी हैवी स्टोरेज कर सकते हैं। और ऐसे ही आपने अपने यहाँ पर फर्श के ऊपर भी बैटरियाँ रखनी है तो वो भी आप अपने यहाँ पर रख सकते हैं, और बैटरी एक बैटरी के ऊपर दूसरी और दूसरी के ऊपर तीसरी बैटरी भी आप रख सकते हैं। ये एरिया आपका अपना कंप्लीट बैटरियों का और इन्वर्टर की स्टोरेज का बन जाता है। आपके यहाँ बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट भी लगाए जाते हैं, वो चार्जिंग पॉइंट आपने साउथ सेंटर से साउथ ईस्ट तक जितने आपके यहाँ रिक्वायरमेंट बनती है उस हिसाब से, और ऐसे ही साउथ ईस्ट से लेके ईस्ट वॉल पर यहाँ पर भी आप अपने चार्जिंग पॉइंट लगा सकते हैं। ऊपर के हिस्से में आपके चार्जिंग पॉइंट आ जाएंगे और नीचे के हिस्से में आपके अपनी बैटरी आ जाएंगी जो चार्ज करनी है। आपके यहाँ एक रिपेयरिंग टेबल भी लगाई जाती है, रिपेयरिंग टेबल आपने ईस्ट साउथ ईस्ट के भाग में यहाँ पर आपने एक रिपेयरिंग टेबल लगानी है, और यहाँ पर आपका अपना स्टाफ का मेंबर बैठ जाएगा, जो आपकी छोटी मोटी रिपेयर करनी है तो वो रिपेयरिंग आपकी यहाँ पर हो जाएगी। ऐसे ही आपने अपने फ्रंट के भाग में यानी शोरूम में साउथ की दीवार पर नीचे के भाग में आपकी बड़ी बैटरियाँ आ जाएंगी डिस्प्ले प्लस स्टोरेज के लिए, और ऊपर के भाग में आपके इन्वर्टर और लाइट वेट की बैटरियों के डिस्प्ले हो जाएगी। ऐसे ही आपने वेस्ट की दीवार पर हैवी स्टोरेज नीचे के भाग में और ऊपर के भाग में आपकी अपनी डिस्प्ले आएगी, यानी नीचे बड़ी बैटरी आ जाएंगी और ऊपर के भाग में आपकी छोटी बैटरी और इन्वर्टर आ जाएंगे। आपके यहाँ बैटरी में डिजिटल वाटर डालने के लिए भी स्टोरेज करनी पड़ती है, वो स्टोरेज आप वेस्ट के भाग में
यहाँ पर आप अपनी डिजिटल वाटर की स्टोरेज भी कर सकते हैं। इसी के साथ जो आपका अपना फ्रंट का भाग है, यहाँ पर डोर से लेके नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तक लाइट वेट की डिस्प्ले कर सकते हैं। ऐसे ही जो आपके अपने ईस्ट वॉल है, ईस्ट वॉल पर ईस्ट साउथ ईस्ट से लेके ईस्ट नॉर्थ ईस्ट तक, यहाँ पर आप बिल्कुल लाइट वेट की अपनी इन्वर्टर की और बैटरी की डिस्प्ले कर सकते हैं, क्योंकि आपने हर तरह की बैटरी अपने यहाँ पर रखनी है। आपने अपने यहाँ पर ईस्ट वॉल पर और नॉर्थ वॉल पर लाइट वेट की बैटरियों की डिस्प्ले करनी है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपने अपने यहाँ पर काउंटर कहाँ लगाना है। आपने अपना काउंटर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के भाग में, यहाँ पर आपने अपना काउंटर लगाना है। और काउंटर आप एल शेप में बनाना चाहे तो आप एल शेप में भी अपना काउंटर बना सकते हैं। यहाँ पर ऑनर की सीटिंग हो जाएगी और आपने अपने यहाँ पर बिलिंग के लिए एक कंप्यूटर भी लगाना है, तो वो कंप्यूटर आपका अपना यहीं पर सामने आपका अपना कंप्यूटर भी आएगा, या आपका अपना कंप्यूटर रखा जाएगा। आपका अपना इन्वर्टर बैटरी का काम है, तो आपके यहाँ भी 2-3-4-5 मेंबर स्टाफ के होते हैं, उनके बैठने के लिए भी जो सीटिंग बनानी है वो सीटिंग आप इस जोन में यहाँ पर बैठने के लिए बेंच भी रख सकते हैं। और आप अपने यहाँ पर स्टूल रखना चाहे तो आप उनके स्टूल भी रख सकते हैं। और ऐसे ही क्योंकि आपका इन्वर्टर बैटरी का काम है, तो आपके यहाँ फैल आउट का भी काम है और हैवी का भी काम है, तो आप अपने यहाँ पर फर्श के ऊपर भी आप अपने इन्वर्टर और बैटरियाँ रख सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि बड़ी बैटरियाँ तो आप फर्श के ऊपर रख दें, उनके ऊपर आप अपना इन्वर्टर भी रख सकते हैं। बाकी की जो एक्स्ट्रा स्टोरेज है वो आपकी साउथ वेस्ट के भाग में साउथ जोन में बन जाती है। अब आपने एक काम और करना है, क्योंकि आपके यहाँ जो कस्टमर आएगा वो 10-15 मिनट आपसे डिस्कस भी करेगा, कस्टमर के लिए जो सीटिंग है वो आपने अपने काउंटर के ठीक सामने यहाँ पर बनानी है। आप यहाँ पर चेयर भी रख सकते हैं और आप यहाँ पर सेटी रखना चाहे तो सेटी भी रख सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, आप अपने यहाँ पर एक कंपनी का काम करते हैं या दो कंपनी का या तीन कंपनी का काम करते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है, जब आप अलग अलग कंपनियों का काम करते हैं तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, आपके यहाँ रेड कलर की जो बैटरियाँ आती है, रेड कलर की बैटरी जितनी आप साउथ जोन में रखेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। और ऐसे ही आपके यहाँ ब्लैक कलर की बैटरियाँ आती है, तो ब्लैक कलर की बैटरियाँ आप नॉर्थ जोन में नॉर्थ वेस्ट जोन में रखेंगे तो भी आपके यहाँ अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। ऐसे ही यदि आपके यहाँ ग्रीन कलर की बैटरियाँ आती है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि ग्रीन कलर की बैटरी भी आप साउथ सेंटर में और साउथ ईस्ट जोन में रखेंगे तो उससे भी आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। यदि आप इस प्रकार से कलर स्कीम का भी ध्यान रखते हैं तो भी आपको अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। आप एक कंपनी का काम करें या दो का करें या तीन का करें, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेटअप आपका इस प्रकार से होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं आपको एक खास बात और बताना चाहूँगा, आप अपने नई दुकान का सेटअप, नए शोरूम का सेटअप करने जा रहे हैं तो फर्श की ढलान आपने कैसे करनी है। सबसे पहले तो यदि आप बैक साइड में स्टोर बनाते हैं तो स्टोर का फर्श का लेवल आपके बाहर के फर्श के लेवल से 2-3 इंच ऊँचा ज़रूर होना चाहिए और उसका स्लोप साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर होना चाहिए। ऐसे ही बाहर के शोरूम का साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर और साउथ से नॉर्थ ईस्ट की ओर, ऐसे ही वेस्ट से भी नॉर्थ ईस्ट की ओर स्लोप आना ही चाहिए। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपका शोरूम बहुत ही बढ़िया चलेगा। इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, आपका शोरूम अच्छा नहीं चल रहा है तो आप चेक कीजिए, आपके यहाँ वर्किंग अच्छी नहीं है तो आप नोट कीजिएगा कि आपकी जो ईस्ट वॉल है, ईस्ट वॉल के साथ आपके यहाँ काफ़ी हैवी स्टोरेज जरूर मिलेगी। ऐसे ही जो आपका अपना फ्रंट का भाग है, फ्रंट के भाग में भी आपके यहाँ स्टोरेज जरूर मिलेगी। आप अपने यहाँ भी अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने यहाँ पर बैटरियाँ ईस्ट वॉल पर ज़्यादा रखिए और नॉर्थ वॉल पर ज़्यादा रखिए, तो यहाँ से बैटरियाँ हटाकर साउथ वॉल पर और वेस्ट वॉल पर रखेंगे तो आपके यहाँ बेनिफिट आना शुरू हो जाएगा, आपके यहाँ कस्टमर आएगा भी और आपके यहाँ से माल लेकर भी जरूर जाएगा, यानी इन्वर्टर और बैटरियाँ भी लेकर जरूर जाएगा। मैं आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इन्वर्टर बैटरी का काम करता है 10-15-20-25 लाख रुपए का तो पता ही नहीं चलता कहाँ कैसे लग गए।
लागत भी मोटी होती है, प्रॉफिट तो ठीक है मिलता है, लेकिन जिस व्यक्ति का काम अच्छा नहीं चलता है, खर्चे भी पूरे नहीं होते हैं, तो उसकी पूंजी अटककर खड़ी हो जाती है और वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान होता है। यदि आप परेशान हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझें और विचार करें। आपको लगता है कि बंसल जी की बातें सही है तो आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे बदलाव करके भरपूर बेनिफिट उठा सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, आपने अपने यहाँ पर पीने का पानी जो रखना है वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के भाग में, यहाँ पर आपने पीने का पानी रखना है। आपके यहाँ कस्टमर नहीं आते हैं या कस्टमर आते तो है लेकिन खाली हाथ लौट जाते हैं, ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। जब आपके यहाँ फ्रंट के भाग में यानी जो आपका अपना शटर है यदि वहाँ पर रेड कलर आ जाता है तो आपके यहाँ बचत नहीं होती है, यानी आपको अच्छा प्रॉफिट देकर नहीं जाते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने शटर पर स्काई ब्लू कलर जरूर करें। इसी के साथ आपने अपने यहाँ पर फ्रंट में रेड कलर का फुटमेंट डाला हुआ है तो भी आपके यहाँ कस्टमर कम आएगा या प्रॉफिट देकर नहीं जाएगा। तो उसके लिए आपने करना क्या है कि यहाँ पर भी आपने ब्लैक कलर या स्काई ब्लू कलर का या ब्लू कलर का फुटमेंट जरूर डालना है। ये छोटे छोटे उपाय आप अपने यहाँ कर लेते हैं तो आपके यहाँ प्रॉफिट जरूर आएगा, आपकी वर्किंग अच्छी होती चली जाएगी। क्योंकि जब भी कोई भी व्यक्ति अपना नया शोरूम बनाता है और इन्वर्टर बैटरी में तो लागत बहुत ज़्यादा लगती है और बहुत ज़्यादा लागत लगने के बाद काम अच्छा नहीं चलता है तो उस व्यक्ति की हिम्मत भी टूटती है और पूंजी भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपना सेटअप वास्तुशास्त्र के नियमानुसार करते हैं तो आपके यहाँ भी सेल प्लस हो जाएगी। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, मेरे शब्दों को सुने, समझे और विचार करें। आपको लगता है कि बंसल जी की बातें सही है तो आप अपने यहाँ पर ये छोटे छोटे बदलाव करके लाभ उठा सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, जिसमें उन्होंने वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपना अनुभव भी लिखा है और इस पुस्तक को प्रिंट कराकर समाज में बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाभ भी उठाया। आप भी हमारी यह पुस्तक मंगवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं। आप सभी अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।